धान खरीदी केंद्र दूलोपाली के उप खरीदी केंद्र झिकीपाली में आज यहाँ के नोडल अधिकारी और क्षेत्र के ग्राम सेवक आशीष प्रधान ने किसानों को इकट्ठा करते हुए समझाया कि रबी की फसल में धान की खेती में पानी की मात्रा अधिक लगती है, जिससे गर्मी महीने में जलस्तर बहुत कम हो जाता है। लोगों को पानी पीने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धान के बदले अन्य फसल जैसे रागी, गेहूं, चना, सरसों, मक्का और अन्य साग सब्जी का उत्पादन करने से पानी की बचत होती है और जल संकट से बचा जा सकता है। शासन प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा इस बार साफ निर्देश भी दिया गया है, जो इन नियमों का अनदेखा करके रबी फसल में धान की खेती करेगा उसके बोर की बिजली कनेक्शन काटा भी जा सकता है। किसानों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल संकट को लेकर गंभीर होना होगा। कई किसानों ने इस समझाइश के बाद कृषि विभाग और शासन के गाइडलाइन का साथ देने का जिक्र भी किया। सहकारी धान उपार्जन केंद्र में हम लोग खड़े हैं और यहाँ के नोडल अधिकारी और आरईओ आशीष प्रधान मौजूद है हमारे बीच। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो समय है, अभी रबी फसल होने को जा रहा है और इस रबी फसल के लिए किसानों को कौन से फसल के लिए आपके कृषि विभाग या शासन प्रशासन के द्वारा लगाए जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी जो गर्मी में अभी जो धान लगाएंगे रबी में, तो इस बार क्या है, धान के रकबा को जो कम करना है, क्योंकि ग्रीष्म काल में जो है जल स्तर जो कम हो जाता है, जिसके कारण जो पानी की जो है समस्या का दिक्कत जाता है। वैसे भी हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है धान में जो है पर्याप्त जो उत्पादन करता है, तो इस बार किसानों को धान के अलावा जो है ग्रीष्मकालीन में जल स्तर को देखते हुए हमारे कृषि विभाग माननीय उप संचालक महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा ये प्रेरित किया जा रहा है कि किसान जो है ग्रीष्मकालीन धान को कम करके जितना भी ज़्यादा हो सके, गेहूं हो गया, आपका रागी है, रागी की यहाँ पे जो अच्छी किसान जो पैदावार भी ले रहे हैं और उसका विक्रय वगैरह में कोई समस्या नहीं है, और सरसों हो गया, इस टाइप के फसल को जो है इस बार अपनाएं, और ताकि जो है जल स्तर को देखते हुए भी रबी के अन्य फसलों में फसल विविधीकरण भी आ सके और किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। हमारे बीच अभी कुछ किसान भी हैं जिन्होंने इस बार समझाई, इसके बाद रागी की फसल, सरसों की फसल और गेहूं की फसल जो है अपने धान के रकबा को कम करके, धान की फसल को छोड़ के कम पानी आवश्यकता वाली फसल को अपनाने के लिए जो है प्रेरित हुए हैं और इस टाइप का इस ओर जो है इस बार फसल जो है लगाने के लिए इच्छुक हैं। हमारे बीच जो है इधर तो अभी जो अन्य फसल लगाने के लिए आपके विभाग द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या बीज की व्यवस्था आपके विभाग द्वारा? बिल्कुल, कृषि विभाग के द्वारा अभी पर्याप्त मात्रा में बीज है हमारे पास, गेहूं की बीज है, रागी की बीज है, अपने यहाँ जो प्रदर्शन वगैरह है मूंग की बीज है और जो भी फसलें जो है किसान, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रबी की गेहूं और ये सब लगाएं, आप सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची की खेती होती है, अदरक की, फूल गोभी की खेती करते हैं, क्योंकि धान में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है, इसी कारण अन्य फसलों का अडॉप्ट करें ताकि जल स्तर को भी मैनेज किया जा सके और किसानों को अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सके। मतलब बीज उपलब्ध है आपके? हाँ, बीज बिल्कुल उपलब्ध है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बीज जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे किसान अभी धान बेचने के लिए आ रहे हैं तो यहीं से हम जो है जनप्रतिनिधि द्वारा बीज का वितरण किया जा रहा है। जो भी किसान के यहाँ मतलब पानी की सुविधा है और जो धान लगाते हैं उन किसानों को प्राथमिकता तौर पर फसल परिवर्तन हेतु ये सब रबी की बीज जो है उपलब्ध कराई जा रही है। अभी पता चला अभी कि आरईओ के द्वारा कहा गया है कि जल स्तर को देखते हुए यहाँ पर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि अन्य फसल के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो अन्य फसल विभाग द्वारा सूचना दिया जा रहा है या पर आपको कहा जा रहा है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग धान की फसल को कम करेंगे और रबी फसल को मूंग या गेहूँ के फसल को जल स्तर कम होने से उसको बढ़ाएंगे। तो आप शासन के मतलब निर्देश या कृषि विभाग के निर्देश से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। बरम केला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।